अच्छे वादे जो है कमलनाथ की सरकार इस बार दे रही है, ये भी बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो गैस जो है 500 रुपए, जो बजट जो बिगड़ता है वो किचन से ही बिगड़ता है, 500 रुपए में। आज सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मैंने देखा हमारी कॉम के बच्चों का ही है, चौथी के बाद पांचवी के बाद ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। तो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि इल्म वो रोशनी है जो तरक्की के सारे दरवाजे खोलती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान शरीफ में पहला ही लफ्ज जो है इकरा, पढ़ो, और अल्लाह के नबी की हदीस है कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ, है ना। तो इल्म अपने बच्चों को पढ़ाओ, वो पढ़ेंगे तभी ही तरक्की कर पाएंगे। एक कॉलेज का सेमिनार था, मैंने कुछ अचार गए बच्चों को कि पढ़ लिख के जहां में इमाम बनोगे, अनपढ़ जो रह गए तो तुम गुलाम बनोगे, और बेकार नहीं जाएगी ये डिग्री तेरी, एक रोज तुम ही देखना कलाम बनोगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ पहली से लेकर आठवीं तक 500 रुपए, नौवीं दसवीं में 1000 रुपए और 11वीं 12वीं में 1500 रुपए। सरकार बच्चों को पढ़ाएगी भी और उसका मुआवजा भी देगी, पैसा भी देगी, पढ़ाओ भी और कमाओ भी। इतनी अच्छी स्कीम कोई सरकार देती है क्या? ये कांग्रेस सरकार दे रही है बेटियों के लिए, पैदा होने से शादी होने तक 2,51,000 रुपए, और मकान बनाने के लिए आवास योजना के लिए 5 लाख रुपए, स्वास्थ्य बीमा का 25 लाख रुपए तक का बजट है। तो ये सरकार आपके लिए बेहतरीन स्कीमें लाई है। ये स्कीमें, ये वचननामा, ये वचन पत्र कांग्रेस दे रही है। लाइट का बिल 100 यूनिट फ्री और उसके बाद आधा हाफ, ये वायदे कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है।